पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी विधायक की बेटी ने मनचाही शादी के लिए घर छोड़ा और सोशल मीडिया पर लोगों की मदद मांगी। अब मध्य प्रदेश के एक बीजेपी नेता की बेटी का मामला सामने आया है जो दूसरे धर्म में जाकर शादी कर रही है। नेताजी का कहना है कि उनकी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो चेतावनी दे रहे हैं कि लव जिहाद की कोशिश हुई तो कत्लेआम होगा। अब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। लव जिहाद का मतलब हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाना, अगर ऐसा होगा तो कत्लेआम होगा। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह ने भोपाल के काउंसलिंग सेंटर में अपनी बेटी से मुलाकात के बाद ऐसी बातें कही कि खुद कानून के शिकंजे में फंस गए। इस बयान की वजह से उन पर आईपीसी की धारा 153 और 505 के तहत मामला दर्ज हो गया। कुछ दिनों पहले सुरेंद्रनाथ सिंह की बेटी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने अपने पिता के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने वाले बयान का खंडन किया था। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने परिवार से सुरक्षा देने की भी अपील की थी। मैं मानसिक रूप से एकदम ठीक हूँ, ये सब मेरे घर वाले झूठा ब्लेम लगा रहे हैं क्योंकि वो एक पोजीशन में है तो वो झूठे कागजात इकट्ठा कर सकते हैं, मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो जानबूझ के मुझे परेशान किया जा रहा है, सो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मामले में फिलहाल सरकार कह रही है कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। बालिक बच्ची है, कोर्ट में भी उसने पिटीशन दायर कर रखी है। जैसे ही FIR आई उसी तीन दिन में बच्ची को लाया गया, पिता के साथ उनकी काउंसलिंग कराई गई। ये सरकार का दायित्व था, पूर्णता से निभाया गया, पुलिस ने अपना काम किया। मैं मानता हूँ पारिवारिक मामला है, परिवार के अंदर सुलझे। इस मामले में सुरेंद्रनाथ सिंह कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर साजिश रचने का आरोप लगा चुके हैं। विधानसभा चुनाव में आरिफ मसूद ने ही सुरेंद्रनाथ सिंह को हराया था। वहीं इस पूरे मामले में आरिफ मसूद का कहना है कि ये सुरेंद्रनाथ सिंह का पारिवारिक मामला है, उनकी बेटी को वो अपनी बेटी समझते हैं, इसीलिए इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।